हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नई MIUI 10 की जो लेटेस्ट बीटा अपडेट आई है उसके बारे में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आपको नया फीचर मिलता है और कितने MB की अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं सिस्टम अपडेट में जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरे फ़ोन में आई है कि नहीं। तो आई है, काफ़ी छोटी, सिर्फ 91 MB की है। आपके फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा MB की होगी, मेरे में छोटी इसलिए है क्योंकि मैं अभी क्लोज बीटा में हूँ जो कि है 8, 9, 18 की। तो उसमें से और इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी रोम में है बीटा वाले लेटेस्ट जो कि थी शायद 8, 9, 13 समथिंग, तो अगर आपके फ़ोन में अपडेट अभी भी नहीं आया है, नहीं मिला है आपको किसी वजह से, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फुल रोम का, OTA का, सब का। और उसके अलावा अगर आपके फ़ोन में, अगर आप स्टेबल में हैं और आपको बीटा में जाना है तो उसके लिए आपको फुल रोम फ्लैश करनी पड़ती है, तो इसलिए उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि यार लाइट पीछे अच्छी नहीं लग रही, तो आप मुझे बताना कि किस तरीके से लाइट में अगर ऐसे रखूँ तो आपका फ़ोन अच्छा लगेगा या ऐसे ही रखूँ तो फ़ोन आपको अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, बताना। क्योंकि मैं ब्लर तो आई थिंक मुझे स्क्रीन में तो दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा फोकस है, लेकिन अब आप लोग पूरा देख के बताना क्योंकि लाइटिंग में करके यार ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास फ़ोन है यार, फ़ोन में और आर्टिफिशियल लाइटिंग में ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं होती है। आई नो बहुत से लोग कहोगे लेकिन होती है, लेकिन यार इतना लाइटिंग नहीं हो पा रही है इंतज़ाम जितना मैं चाहता हूँ ताकि अच्छे से हो, इसलिए यहाँ पे यार लो लाइटिंग में ही बनाना पड़ रहा है। और आपको तो पता है कि यार YouTube से भी मुझे कुछ अर्निंग नहीं होती है, तो थोड़ा यार काम चला लो। अगर आपको नहीं चल रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको MIUI 10 का Redmi Note 5 Pro के लिए फुल रिव्यू दिया था खेत में, बाहर पार्क में जाके, तो आप उसको चेक कर लेना, यहाँ आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा। अगर उस टाइप की चाहिए तो वो भी बता देना आपको मुझे कि आपको उस पार्क वाली टाइप की चाहिए वो अच्छी लगी तो, क्योंकि उसमें मुझे पैसा खर्च हुआ था यार वहाँ पे जाने के लिए। तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा, देखता हूँ कि कौन यहाँ तक मेरा वीडियो देख पाया है। यहाँ पे 22% हो गई है, 26% हो गई है, तो मैं अभी यहाँ पे इसको स्किप कर लेता हूँ, हो जाती है जैसी पूरी अपडेट फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे हो गया है फाइनली मेरा फ़ोन लेटेस्ट MIUI 10 बीटा वर्जन में अपडेट, तो देख सकते हैं अपडेटेड, और आपको वही घिसा पिटा देखने को मिलेगा चेंज लॉग जो हमेशा इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी और ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस आपको लिखा हुआ रहता है। तो चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या नया इस अपडेट में देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टॉप कॉर्नर में आपको, अगर आप पुरानी अपडेट में अगर आपने ध्यान दिया होगा, आई थिंक बहुत से लोगों ने नहीं दिया होगा, तो अगर ध्यान दिया होगा तो आप देख पाएंगे कि आपका ये जो परसेंटेज है बैटरी वाला, ये पहले नेटवर्क सिग्नल के पास था तो उस तरफ था लेफ्ट से, अब इसको राइट में करके एकदम कोने में कर दिया गया है। और मैंने यहाँ पे यार ध्यान दिया कि MIUI 9 में हमारे उसमें भी ये ऐसे ही साइड में था, तो अगर मैं आपको इधर MIUI 9 में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये इधर इसमें भी ऊपर साइड में है, और MIUI 10 में आई थिंक इन्होंने चेंज कर दिया था बीटा में, उसको इधर लेफ्ट में लेके आए थे, तो उनको गलती अपनी समझ में आ गई कि यार लेफ्ट में क्या गलती है क्योंकि नेटवर्क में सब मिक्सअप हो जाता है शायद कभी कभी, तो उसको यहाँ पे इन्होंने सही करा है। उसके बाद एक चेंज आपको ऐप वॉल्ट में देखने को मिलता है, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, क्योंकि उसके लिए पहले आपको यहाँ पे चेंज करना होगा पोगो लॉन्चर से सिस्टम लॉन्चर। तो सिस्टम लॉन्चर में अभी मैं आता हूँ और इसको ओके कर देते हैं, सिस्टम लॉन्चर यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो ये सिस्टम लॉन्चर ओपन हो गया है, तो इधर आप साइड में आएंगे तो आप देख पाएंगे कि जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपको यहाँ पे नीचे क्रिकेट का देखने को मिलता है अपनी पुरानी वाली वीडियो में जो कि थी 8, 9, 18 की, तो उसमें भी आपको यहाँ पे ये क्रिकेट का देखने को मिल गया था। तो ये क्रिकेट का टाइल्स और साथ ही साथ नीचे यूटिलिटीज़ जो पहले ही आ गया था इसका भी टाइल्स आपको देखने को मिलता है, और कैलेंडर इवेंट भी देख सकते हो आप, काफ़ी लंबा आपको अब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप नहीं चाहते तो वो भी आप हटा सकते हैं, उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिक्योरिटी ऐप में अभी कुछ नया अपडेट नहीं आया है, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ फिक्स कर दी गई है, जैसे फर्स्ट एड ऑफ हार्डवेयर टेस्ट अब ये फुली वर्क कर रहा है फिलहाल तो मेरे लिए, और व्हाट्सएप क्लीन अभी वर्क कर रहा है, तो अगर आपके फ़ोन में नहीं कर रहा है तो आप ट्राई करो एक बार रीस्टार्ट करने की, आपके फ़ोन में वर्क करने लगेगा। यहाँ पे यार एक मेरे फ्रेंड ने, यूसुफ भाई, जिनकी वीडियो मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा डालता रहता हूँ अगर आप जानते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि उनको किसी ने कमेंट करा है कि इसमें यार 10 के 60 FPS में रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो सही बात है 10 के 1080p
60 FPS में रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये काफ़ी नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि 60 FPS की रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल पहले भी मिल गई थी हम लोग को, लेकिन इन्होंने हटा दिया था पता नहीं क्यों, और यहाँ पे 60 FPS देखने को मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपकी होने लगेगी। तो ये चीज़ काइंड ऑफ अच्छी है जो हमको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मगर आपने ध्यान दिया है कि नहीं, लेकिन अब यार पे आप बैक में भी आपको पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि है फिल्टर्स लगाने का। आई थिंक ये पहले नहीं था, आप मुझे करेक्ट करके बताना कि पहले था कि नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि पहले यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में फिल्टर्स का था। इतना ध्यान है कि फ्रंट कैमरा में था, लेकिन रियर कैमरा का मुझे नहीं ध्यान है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जितने लोग भी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है नोट्स में कि क्या क्या आपको नया देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यार मैं पोको लॉन्चर लगा देता हूँ, क्योंकि अब वो मुझे ज़्यादा नीट एंड क्लीन देखने को लगता है, और मैं ज़्यादातर नीट एंड क्लीन वाला ही देख सकते हैं आपको कि मैं रखता हूँ अपने ओन होम स्क्रीन को, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं फोल्डर बना के रखता था MIUI 9 वाले में। तो यहाँ पे नोट्स में चलते हैं हम लोग, और नोट्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या देखने को मिलेगा, कि क्या क्या अपडेट आपको देखने को मिलता है। तो फुल चेंज लॉक की बात करें तो सबसे पहले ये फेस अनलॉक का फिक्स है पोको F1 के लिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ऐसे आ जाते हैं स्टेटस बार में। तो पहले मैंने आपको बताया था कि बैटरी परसेंटेज चेंज करा गया है, वही चीज़ है पहले में। उसके बाद AM/PM का रोटेशन, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये रोटेशन जब आपका ऑफ होता है तो यहाँ पे पहले आपका AM/PM में प्रॉब्लम आती थी, तो उसको यहाँ पे इन्होंने सही कराया। और आई थिंक नोट्स यहाँ पे आपको लैंडस्केप मोड में नहीं देखने को मिलेगा, तो इसके लिए कुछ और ओपन करता हूँ, वो चीज़ देखते हैं कि क्या लैंडस्केप मोड में ओपन हो सकता है। और ऐसी वाली प्रॉब्लम अगर आपको कभी भी फेस करनी पड़ रही है तो आप अपने फ़ोन को बस एक बार रीस्टार्ट कर दो, आपका सही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइम से पहले AM/PM आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इजीली, तो ये काफ़ी अच्छा है, इन्होंने यहाँ पे फिक्स कराया। पहले आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको यहाँ पे इन्होंने फिक्स करके आपको दिया है, ताकि आप इजीली यहाँ पे आप अपना टाइम भी देख पाओ। तो यहाँ पे टाइमिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इन्होंने करे हैं। उसके अलावा है आपका फूटर एंड व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ओवरलैप्ड इन न्यू मैसेज इन्फॉर्मेशन। तो ये जब आपका नोटिफिकेशन आता था व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, तो उसमें ओवरलैप होते थे मैसेज, मेरे में तो सही था, तो उसको भी यहाँ पे फिक्स करा गया है। उसके बाद सम ऐप आइकन आर नॉट शोइंग इन द नोटिफिकेशन पैनल। तो ये चीज़ थी कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन पैनल जो यहाँ पे है, कई सारे आइकन्स यहाँ पे बग्स आ रहे थे कि वो शो नहीं कर रहे थे, तो उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, जो हालांकि मेरे में भी प्रॉब्लम नहीं थी। और यहाँ पे आ गया है कैमरा में फिक्स है रियर कैमरा एरर इन हार्डवेयर टेस्ट। तो सिक्योरिटी में जैसे आपने देखा था हार्डवेयर टेस्ट का, तो उसको यहाँ पे इन्होंने फिक्स करा है। जैसे ही आप सिक्योरिटी में जाएंगे और हार्डवेयर टेस्ट यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, तो यहाँ पे पहले रियर कैमरा में प्रॉब्लम दे रहा था यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे इन्होंने सही करा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे सब चीज़ सेल्ड योर ओल्ड फ़ोन न्यू डिवाइस ओनली, कैशिफाई के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि कितना आपको मिल जाएगा वाइब्रेशन टेस्ट करके, और सब चीज़ यहाँ पे मेरी साइकिल में आपको आ जाएगा। दिल्ली नोएडा आप कहाँ पे हो, तो दिल्ली और तो रेडमी नोट 5 प्रो 7200 में आपका बिक जाएगा। फिर रेडमी नोट 6 ले लो हैं, सड़ा हुआ ले लें हम बेच के, आप मुझे बताओ आपको लेना है रेडमी 6 प्रो का रिव्यू, क्योंकि लॉन्च होने से पहले आ गया है। फिक्स है सेटिंग में कि टेक्स्ट इन वॉल्यूम बार डू नॉट ट्रांसलेट टू रशिया, तो ये रशिया लैंग्वेज के लिए है। उसके अलावा सम कैरेक्टर्स इन वॉल्यूम पैनल आर नॉट ट्रांसलेटेड, वो भी रशिया है। वॉल्यूम पैनल डिस्प्लेज एबनॉर्मली, तो सेटिंग्स में आपको वॉल्यूम पैनल जो था वो सही से नहीं दिख रहा था, तो उसको वहाँ पे उन्होंने फिक्स करा है। तो यहाँ पे अपन लोग सेटिंग में चलेंगे साउंड्स में, तो यहाँ पे वॉल्यूम पैनल सही से नहीं दिख रहा था, तो उसको यहाँ पे इन्होंने फिक्स करा गया है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स करे हैं, बहुत सारे फिक्स इस अपडेट में आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैसेजिंग में आपको यहाँ पे प्राइवेट मैसेज सेटिंग टेक्स्ट के आउट क्रॉप विद द लोअर साइज, तो ये प्राइवेट मैसेजिंग का है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि व्हाट्सएप से कब से बहुत टाइम से मैसेजिंग नहीं करी है मैंने। उसके अलावा लीक्स एप्लीकेशन इज इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, तो कुछ लीक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जा रहे थे आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली, जैसे एड्स आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली कई सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं अपडेट के साथ, तो उस तरीके से ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मी स्टोर डज नॉट वर्क, तो मी स्टोर में कुछ अपडेट आई थी जिससे वो वर्क नहीं कर रहा था, तो उन्होंने इसको भी सॉल्व कर दिया है और आपके फ़ोन में मी स्टोर वर्क करने लगेगा।
और देख सकते हो नया अपडेट आया है मी स्टोर का, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, फ्रेश न्यू मी स्टोर, यू आर गोइंग टू लव इट, आई डोंट थिंक सो। तो देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा बनाया है, आप चेक कर लेना आपके फ़ोन में अपडेट आया है कि नहीं मी स्टोर का। तो काफ़ी मस्त यहाँ पे इन्होंने एनिमेशन बनाया है और ओपन स्टोर आ गया है। हाँ तो नए डिज़ाइन में थोड़ा आपको देखने को मिलता है, देख सकते हो गिफ्ट कार्ड, रिटेल स्टोर और सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना, और कैमरा और सब तो आपको उसी तरीके से देखने को मिलता है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक थोड़ा सा दे दो, और नहीं आई तो डिसलाइक दे दो। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बाय 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 बाय।